तैयारी हो रही है शीतला माता के पूजन की और हो गई हूं मैं तैयार फ्रेंड्स। तो बस चलते हैं। तो हम कुछ ही फ्रेंड्स रह गए थे आखिरी में, सब लोग पूजा करके चले गए थे, तो हमने सोचा याद के लिए फोटो खिंचाते हैं। और देखिए यहाँ पर होली जली थी। हेलो फ्रेंड्स, राम राम। आज बासड़े का सामान बन रहा है, आलू टमाटर की सब्जी है, गुड़ वाले पुए बनेंगे और फ्रेंड्स उसके बाद बनेगी पूड़ी। तो आप लोगों के यहाँ पूजा में क्या क्या सामान रखते हैं जरूर बताना। फ्रेंड्स पूड़ियों में थोड़ा सा मोन दिया है और अजवाइन डाली है, बस कल के लिए पूड़ियाँ बन गई हैं। बासड़े की तैयारी मैंने 9 बजे से शुरू करी थी और मुझे हो गई थी करीब 12 बज गई थी सारा सामान समेटते समेटते। फ्रेंड्स ये दिन ऐसा होता है कि हम लोग ठंडा खाना खाते हैं और दूसरे दिन बहुत अच्छा लगता है जब खाना नहीं बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर हो गई है तैयारी पूरी। माता जी की थाली जमाऊंगी अब अलग से और पुए भी निकल चुके हैं। आलू टमाटर की सब्जी बहुत अच्छी बनी थी, पुए देख रहे हैं ना आप कितने अच्छे बने हैं। और आलू टमाटर की सब्जी तो बहुत अच्छी चटपटी बनी थी, आप देख सकते हैं कितनी यम्मी यम्मी लग रही है। इसके बाद फ्रेंड्स मेरे हस्बैंड का फोन आया, उन्होंने कहा पुए के साथ कढ़ी बहुत अच्छी लगती है, तो मैंने सोचा चलो बना ही लेते हैं, दही तो रखा हुआ ही था, तो बस कढ़ी भी बना ली है। आप भी जरूर ट्राई करना फ्रेंड्स, जो मीठे पुए होते हैं गुड़ वाले उसके साथ कढ़ी खाना बहुत अच्छी लगती है। अब जम गई है पूजा की थाली और आ गए हैं हम मंदिर में। तो फ्रेंड्स ये है शीतला माता और एक और भाभी जी आई, उनकी थाली में भी मैं आपको दिखाती हूँ कि पूजा की थाली में उन्होंने क्या क्या रखा है। ये देखिए इनके मीठे चावल से पूजा करते हैं और चने की दाल की जगह इन्होंने चने गलाए हैं। अब हम सब लोग मिलकर सबके सहयोग से यहाँ पर शीतला माता का चबूतरा बनेगा। इधर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये भैरू जी महाराज हैं और ये वही मंदिर है जहां पर की कीर्तन वगैरह होता है। बस फ्रेंड्स सभी पूजा करके चले गए थे, हम लोग थोड़ा लेट हो गए, करीब 7 बज गई थी, तो यहाँ पर आपको कोई भी नहीं दिखेगा ज्यादा। इधर पीपल देवता हैं और ये पंडिताइन जी हैं कालू की मम्मी, जिनसे कि आप पहले मिल चुके हो मेरी वीडियो में। यहाँ पर होली जली थी, यहाँ पर भी सब लोग पूजा कर गए हैं। और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स ये हमारी मीणा भाभी जी हैं जो कि होली की पूजा कर रही हैं। इसके बाद फ्रेंड्स चलते हैं मंदिर में। सुबह 7 बज गए थे तो मंदिर में पंडित जी आरती की तैयारी कर रहे थे। तो चलिए फ्रेंड्स आरती में शामिल हो जाइए आप लोग भी। आरती के बाद हम लोग बाहर आकर बैठ गए और यहीं पर ही हम कहानी सुनेंगे। तो सबने हाथों में चने की दाल ले ली है और बस फ्रेंड्स पहले शीतला माता की कथा होगी, उसके बाद होगी गणेश जी की कथा। तो ये जो कथा है ये पिछले साल की है। गांव नगरी में गई, नगरी में गई ना तो जाता जाता थे जो रास्ता में जा रही थी गली में, तो एक औरत है जो ऊपर काई काई गर्म पानी उनके ऊपर डाल दो, ऊपर पानी पका रही होगी वहाँ निकल रही होगी, निकलता है वह तो सारी दागी पपोला ही पड़ी हो, तो वहाँ से दौड़ के बेटा कैसे चलो तो कटंडो खाओ थे रात दिन भर ऊपर गर्म गर्म पानी डाल दो, तो वहाँ से भागी 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 जाता है। तो जो कुमार को घर वो गद्दा बन रहे थे बाहर गद्दा था ना, तो कभी कुमार ने मटका भी रखे थे, तो वहाँ तो बोला क्यों कुमार का घर में घुस गई और यो कहीं क्या डोगी कैसा है कहा, तो भाई तो भूखा तो मर दी तू है ना, रात तो बनाओ थी सुबह खाओ थी अंतर तो पूरी दा दी तू, तो मैं ठंडो करके मारो चाहेंगे जो ना मटका भर भर कर रुको तय डोग ठंडो कर ठंडो करता है वह कब कब मैं तो ना जो दलियो दख मारता है वो तो ठंडो बनाऊँगी रात बनाऊँगी सुबह खाऊंगी का जो कभी तो दलियो दे का खाना दलियो देता है तुम दोनों वही बाबरी बनायो बोलियो बना कर अब उन्हें तो सब सब दूसरा दंचन शीतला माता पूजा जाओ मंदिर को। अब सब गाँव की औरत सारे गाँव में तो शीतला माता का बढ़िया
गरम गरम बनाऊंगा, गरम गरम चढ़ाऊंगा। जो तो जो शीतला माता सोचे ना, जो भाई डोगरी के रूप है, तो वे कहता तो मैं इधर जा दूंगा, है ना। तो क्या डोग जाओ, जब तुम्हारा टंडो चढ़ाओ चाहे टंडो ही खाओ, क्यों कहूँ तो कम है साई का। जब तक मतलब जो सारे गाँव में आग लागी, अब वहाँ डोगरी को गरीब बची हो, तो वे कह पंचायत बिटानो के डोग का घर में आकर सल लागी, मैं तो सबसे आग लागी का घर आम आकर उस वजह से वे कह मतलब चला जगह बारह महीना में एक बार माता जी को धन्ना हो चे, तो बारह महीना ही टंडो खाओ चु ये तो गर्म गर्म यहाँ तो माता जी भी गर्म से पूजी चेगा, वो तो टंडा से पूजी चुका। जे भी घर को परिवार हो कोई भी हो जाति सब माता जी की पूजा करनी चाहिए। बारह महीना में दन आ जाए, सप्तमी का दन बनाओ, अष्टमी का दन की पूजा करो, तो माता जी बोल शीतला माता की जय। भूख लाग की तो करो जो सबका घर आम पर अगर ना जो बच्चा बरबर करूँगा मारी खीर बना, तुम्हारा खीर बना समझ नहीं चाहते वो कहीं का खीर बनाओ, मगर तो सारा काम ही पड़े तो आगे जाके चल गया। फिर ऐसा कहता था सब जगह घूमगी वहाँ घूम के गणेश जी महाराज, अब देख डोगी की डोगी की तो मामा कभी भूख लाग के कहना जो खीर बना देगा मारे का और मैं बना दूँगी, तो दूर दर चावल तो मुँह लाएगी अरे कहता रहता हूँ चावल दूर से चाहिए होगा को मारे मारे तो तेन गाय भी अच्छा बंदी जरूर द्वारा हो सकता खा देगा पेट भर कर जो तो तेन दूस के दूर का ही पालक देते थे एक चाहिए खीर बना कर खिला दी जाऊँ तो फिर तो जा रही अब तो बैठे रहो गणेश जी महाराज के रूप बनकर। अब डोगी उन्हें बू ने खीर बनाई, खीर बनाता है उन्हें सोचिए कि भाई मीठी वही कर लो तो चूल्हा के पाचे सारे से कुआड़ के पाचे बैठ गया और चाक ली उन्हें तो चाक ली लोग भाई भाई कल खीर खा लग कटोरिया को आकर डोग मैं भाई खीर बना दी हाँ कल भाई लाज भाया कल खीर खा लग वो माँ कब लाग मारो तो भो कर भाई तरह भो कैसे लाग तू तो बारह बैठी जगह खीर तो गंदा चूल्हा को बनी चाह वो कहता बुरा लगा दी को माँ तो भोग जाए मारो भोग लाग बाकी खीर ना काय करूँ भोग भर के खीर जगह तो कैसे कर जगह अंदर से ना जगह सब तैजी मार दीजिए खिला दीजिए तो कटोरा भर भर बाढ़ ये भी खीर तो खत्म ना हुआ अब एक खीर तो खत्म ने भी काय करूँ कैसे कर जगह कल जब चार कोना हो ना घर में तो खड्डो खोद के वहाँ गाड़ दीजिएगा तो खीर गाड़ दी गाड़ता है वहाँ तो चंद तो ऐसा करके चल गया अब तो ये राजवाड़ा होती है खूब हो गया खूब होता है कभी फिर भी खीर ना बीती कभी ना काय करूँगा कैसे कर काय करेगा तो गाय डांडा या सब सबको ताई खिला देगा फिर वो तो टावरे तो बन गई और तो डोग तो खूब में ये आनंद हो गया आनंद होता है मेरे को तो बासी बासना को भूख हो चुका है ना पर जो भोग लगा तो सारी आयो राजी में जिस तरह की भाई खीर बनाऊँ तो उसका आनंद हो गया तो ताई बुने तो उठी कर लेकर खीर करके कसा खा तो फिर दोबारा खीर बनाई फिर दोबारा खीर बनाई फिर उसका भोग लगाई गणेश जी महाराज के जब वो राजी में बोल गणेश जी महाराज की जय। ये है हमारी कौशिक भाभी जी और ये लेके आई है आसन। देखो हम लोग तो नीचे ही बैठ गए और ये है हमारी जगत मौसी, सब लोग इनको मौसी बोलते हैं और इनके पीछे देख सकते हैं फ्रेंड्स आप सूर्य भगवान दर्शन दे रहे हैं। इतना प्यारा सीन लग रहा था, बस यहाँ पर कथा कही है पंडित जी ने, उसके बाद हम सब लोग अपनी अपनी पूजा की थाली देख रहे थे। तो मौसी तो एक बार पहले शीतला माता की पूजा कर गई, उसके बाद वापिस मंदिर की थाली जमा के आई थी। यहाँ पर कुछ लेडीज होली की परिक्रमा लगा रही हैं। बस फ्रेंड्स अब हम लोग अपने अपने घर आ गए हैं। यहाँ पर देखिए माही बैठी हुई है पहले से ही, तो मैंने यहाँ पर हल्दी के छापे लगा दिए हैं दोनों तरफ और उसके बाद पेपर लेकर मैं अंदर आ रही हूँ। आजा आजा अभी लाऊंगी दूध, है ना, आज लाती हूँ ना। बस फ्रेंड्स माही को दूध देने के बाद यहाँ पर मौली से मिलते हैं। मैं बेची मेरा हाथ पीले हो रहे मौली। मैंने मौली को उसके बिस्कुट दिए जब जाकर उसने मेरा पीछा छोड़ा और देखिए फ्रेंड्स मौली अपने बिस्कुट खाने में बिजी हो गई है। फ्रेंड्स आपको मेरे चूड़ियों का सेट कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। और बस अब हम लोगों ने सुबह 8 बजे ही खाना परोस लिया था क्योंकि खाना इतना अच्छा बना था कि हम अपने आप को रोक ही नहीं पाए और 9 बजे तक हमारा खाना पीना सब हो गया। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करना और नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर 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 सब्सक्राइब करके जाना। फ्रेंड्स बाय बाय।